तो इस दिवाली गाइस हम लोग बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, और हम लोग ट्रक पे लोडिंग करके इसको पुलिस स्टेशन तक ले जाएंगे और फिर हम लोग उसे पुलिस स्टेशन के ऊपर बांध करके उस पर आग लगा देंगे। फिर देखते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन के साथ क्या होता है। लेकिन आखिर मैंने इतना बड़ा रॉकेट बम बनाया कैसे, चलिए जानते हैं। तो यार मैंने कल इतने सारे पटाखे लाए थे और मैंने कल रात को ही बहुत सारे फोड़ दिए, लेकिन अभी देखो कितना सारे पटाखा बचा है मेरे पास। इसके अंदर अनार बम, रॉकेट, सारी चीज़ें हैं गाइस। और इन सारे पटाखों को मैं फोड़ने वाला हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर, और फिर देखते हैं कि पुलिस वाले हमारे साथ क्या करते हैं। तो चलो पुलिस, अरे भाई एक मिनट यार, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई? मैं अभी पुलिस वालों के पास जाने वाला था। अबे भाई ये पुलिस वाला पी रखा क्या जो ऊपर से धड़ाम से गिर गया? भाई ये हिल भी नहीं रहा, कहीं ये मर तो नहीं गया गाइस? अगर ये मर गया ना गाइस तो पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे, लगता है मुझे फंसाने के लिए आया है। चलो बाहर देखते हैं पुलिस वाली गाड़ी तो नहीं है। अरे यार यहाँ पे देखो एक पुलिस वाली गाड़ी है अभी ये मेरे पास। अबे यार ये पी रखा है क्या, इसने देखो लड़की को ठोक दिया गाइस। मतलब कुछ तो गड़बड़ है गाइस, ये पुलिस वाले आज गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हैं? ओ सीट यार, ये आते ही मेरे ऊपर गन तान दिया और फायरिंग करने लगा। मुझे कुछ नहीं मालूम यार मुझे मार क्यों रहे हैं। और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट करके जेल के अंदर लाकर बंद कर दिया है। अरे यार मैंने तो पुलिस वालों को मारा भी नहीं, लगता है ये पटाखे फोड़ने की वजह से मुझे जेल में बंद किए हैं। और पता नहीं गाइज ये मुझे जेल में बंद करके कहाँ चले गए, लगता है इनका लंच टाइम है तो यही मौका है गाइज मुझे भागने का। तो फाइनली गाइज मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ, यही मौका है मुझे भागने का। तो सेकंड फ्लोर पे पुलिस वाले खाना खा रहे हैं गाइज, तो जल्दी से निकल चलते हैं, कहीं गाइज ये मेरे सारे पटाखे को ले ना ले। मेरे सारे पटाखे उसी तरह फील्ड में फेंके हुए थे यार। चलो एक काम करता हूँ गाइज, अपने घर इनकी गाड़ी लेकर चलता हूँ। और ना गाइज मैं पटाखे सारे बहुत पैसों पर लेकर आया था और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पटाखे कोई चोरी कर ले। और फाइनली गाइज मैंने पुलिस वाले की गाड़ी लेकर चला हूँ अपने घर, और देख कैसा लगता है गाइज कि पुलिस वाले की गाड़ी यहाँ पे जरूर आई थी। ओ सीट यार मेरे सारे पटाखे यहीं पे रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले आए थे और पटाखे लेकर चले गए। अरे यार आज तो दिवाली है और मैं दोबारा सिटी में जाके पटाखे ला नहीं सकता, बिकॉज मेरी सिटी बहुत ज़्यादा दूर है और मैं मुझे इन पुलिस वालों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइज। मेरा तो मन करता है गाइज कि मैं इनका पुलिस स्टेशन तोड़ दूँ। सिटी में कुछ भी होता है गाइज तो मेरे घर पे हर बार आ जाते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं। पता नहीं मैं पुलिस वालों को क्या बिगाड़ा है। एक मिनट यार, मैं ना एक रॉकेट बम बनाता हूँ और पुलिस वालों का स्टेशन उड़ा देता हूँ। तो मुझे चाहिए गाइज एक बहुत बड़ा रॉकेट बम, और फाइनली मैंने कंप्यूटर में देख लिया है, मतलब हमें पता चल चुका है कि हम बड़ा सा रॉकेट बम घर पे कैसे बना सकते हैं। और गाइज हमें इतने बड़े स्टेशन को उड़ाने के लिए हमें बहुत बड़ा रॉकेट बम बनाना पड़ेगा, जिसको हम पुलिस स्टेशन के अंदर लगा के पूरे पुलिस स्टेशन को हवा में उड़ा सके गाइज। जिसको बनाने के लिए गाइज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए गन पाउडर, जो कि है बारूद, जिसके बिना बन नहीं सकता गाइज। लेकिन उससे पहले मुझे छोटा सा रॉकेट चाहिए, उससे कुछ भी नहीं बन सकता गाइज। तो सबसे पहले मुझे रॉकेट चाहिए जो कि एरोप्लेन के सीट पे रखा हुआ है गाइज। और फिर हम लोग इस छोटे से रॉकेट में ढेर सारा बारूद भर के इसको बहुत बड़ा बना देंगे गाइज, और हम लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज, क्योंकि हम लोग पुलिस स्टेशन को उड़ाने वाले हैं। और फटाफट से चलते प्लेन के अंदर उस रॉकेट को निकालते हैं गाइज, क्योंकि सारे लोग दिवाली में पटाखे ढूंढ रहे हैं, और उनको अगर पता लग गया ना गाइज कि हमारे एरोप्लेन के अंदर एक रॉकेट, तो वो उनको जल्दी से लेकर चले जाएंगे। तो फाइनली गाइज मैंने पुलिस वालों की गाड़ी लेकर आ चुका हूँ ये लोग एरोप्लेन के पास, और मैंने जो पटाखा देखा था वो इसी एरोप्लेन के सीट के पास रखी हुई है। और मुझे ना गाइज एरोप्लेन के अंदर जाने से पहले मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज मैं एरोप्लेन के ऊपर आ चुका हूँ, और मुझे अंदर जाने के लिए गाइज मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और फाइनली गाइज मैं रॉकेट के पास आ चुका हूँ, और गाइज ये देखो रॉकेट बम जो कितना ज़्यादा छोटा है गाइज, और इसे गाइज हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे और इसे ट्रक में ले जाना पड़ेगा। फाइनली गाइज हमने रॉकेट को निकाल लिया है, और हम लोग को ढूंढना पड़ेगा बारूद जो कि हम इस गन में डालने वाले हैं गाइज। और हमको गाइज ढेर सारा बारूद चाहिए इतने बड़े बम को बनाने के लिए। और हम लोगों को गाइज गन पाउडर मिलने वाला है इस ब्रिज के ऊपर, जो कि वहाँ पे 3 डब्बे रखे हुए हैं, और हम इसको बहुत बड़ा बना लेंगे।
तो हम लोग को फटाफट से जाना पड़ेगा गाइस कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि हम लोग को वहीं पे मिलने वाला है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि इतना बड़ा रॉकेट दिखेगा कैसा, मतलब सिटी के सारे लोग देख के डर के भाग जाएंगे। जो आज हम लोग रॉकेट बम बनाने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट होगा गाइस, जो कि हमें आग भी दूर से लगाना। मेरी गाड़ी यहाँ पे पलट गई है, पता नहीं पुलिस वाले कैसी गाड़ी लेकर घूमते हैं। अब पता नहीं गाइस मैं किस गाड़ी से जाऊंगा, एक ही गाड़ी मिली थी अभी पुलिस वालों की, जो भी यहाँ पे टपक चुकी है। चलो ना कोई ना गाइस, आज है दिवाली तो कोई रोड से एक गाड़ी ले लेता हूँ। लोगों को दिवाली के टाइम पे अपने घर पे रहना चाहिए, पता नहीं लोग सवेरे सवेरे कहाँ गाड़ियाँ लेकर निकल चलते हैं। चलिए गाइस, हमने इस बंदे को बाहर फेंक के इसकी लैम्बोर्गिनी छीन ली है। ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है गाइस, ये सुपर फास्ट लैम्बोर्गिनी है गाइस, और पुलिस की गाड़ी ठोक के सीधी कर दी गाइस। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, लेकिन इसको हम लेने वाले नहीं है, क्योंकि इसके अंदर GPS लगी हुई है और पुलिस वाले मेरा पीछा कर लेंगे गाइस। मैंने गाड़ी छीनकर इस ब्रिज के पास आ चुका हूँ, और जो मैंने लोकेशन देखा था वो इसी ब्रिज के ऊपर है गाइस। वहाँ पर देखो कोई रास्ता बना हुआ है, शायद रास्ता, हाँ यार ये तो सच में रास्ता ही है। और ये देखो गाइस, लगता है सीमेंट की बोरियां ऊपर ले जाने के लिए बनाया गया। कोई ना गाइस, इधर से हम गाड़ी लेकर ऊपर चलते हैं गाइस। अबे यार रास्ता यहाँ पर इतना पतला है कि मैं गाड़ी को ले जा ही नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं ब्रिज के ऊपर चलता हूँ और गन पाउडर जल्दी से लाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं उस डब्बे के पास आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखो कितने सारे गन पाउडर रखे हुए हैं, और उसके साथ तीन डब्बे और है गाइस, और यहाँ पर देखो साइड में कितना ज्यादा गन पाउडर रखा हुआ है। और ये सारे बारूद गाइस मैं एक ही पटाखे के अंदर डालने वाला हूँ। तो चलो गाइस, यहाँ का काम तो हो चुका है, और सीधे चलते हम लोग पुलिस स्टेशन। और सॉरी गाइस, हमें जाना पड़ेगा अपने घर, क्योंकि हम लोग अपने घर पे ही इसको बनाएंगे, और फिर हम लोग को देखना है गाइस कि ये पटाखा ब्लास्ट कैसे होता है। और इस रॉकेट को हम लोग को पुलिस स्टेशन पे बांधना पड़ेगा, और मैं जब आग लगाऊंगा गाइस तो पूरा पुलिस स्टेशन हवा में उड़ जाएगा गाइस। आग लगाने से याद आया गाइस कि हमारे पास ना तो लाइटर है ना ही माचिस है, तो हम लोग इस बड़े रॉकेट में आग कैसे लगाएंगे। तो चलो एक काम करता हूँ गाइस, ये भी देख ही लेता हूँ कि हमें माचिस मिलेगा कहाँ पर। ये रहा माचिस, ये तो गाइस हमारे विलेज एरिया का वो लोकेशन है। तो एक छोटे से घर में यहाँ पे तीन माचिस की डिब्बियाँ रखी हुई हैं गाइस। मुझे लगता है गाइस कि गांव वाले दिए जलाने के लिए इसको छत पे रखे हुए हैं। तो चलो फटाफट गाइस जल्दी से गाड़ी में बैठते और चलते विलेज एरिया में, क्योंकि आज है हैप्पी दिवाली गाइस, और हम लोग को जल्दी से रॉकेट बनाना पड़ेगा। और ये रॉकेट काफी ज्यादा बड़ा है गाइस, क्योंकि इसे बनाने में हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये देखो गाइस, मैंने फाइनली अपनी गाड़ी भगाते हुए आ चुका हूँ विलेज एरिया में, और वो जो घर है गाइस गांव के बीच में, क्योंकि ऐसा घर मैंने पहले भी गाँव के बीच में ही देखी है। अरे यार उसके जैसे इतने सारे घर है, मुझे वो घर कैसे पता चलेगा। अरे यार यही ये वही घर है जो देखो सेम टू सेम मैच खा रही है, और इसका छत भी उसी तरह है। तो इसका माचिस का डिब्बा ऊपर छत पे रखा हुआ है। और एक काम करता हूँ गाइस, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, तभी मैं इसके ऊपर चढ़ पाऊंगा। अभी फ्रैंकलिन ऊपर, अरे यार ये देखो मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, और मैं यहीं पे माचिस की वो डिब्बियाँ देखी थी गाइस। हाँ यार ये देखो मिल गई, यहाँ पे तीन माचिस की डिब्बियाँ रखी हुई है। मुझे तो गाइस एक ही डिब्बा चाहिए, क्योंकि मैं एक ही तिल्ली से रॉकेट में आग लगा सकता हूँ, और पूरा का पूरा रॉकेट आसमान में जाकर बूम। तो फाइनली मैंने गाइस एक डिब्बा ले लिया है। अभी से यार मेरे अंदर इतनी खुजली मच रही है कि मैं उस रॉकेट को जल्दी से जाकर जला दूं। और गाइस मैंने कभी इतना बड़ा रॉकेट ना देखा है, ना कभी आग लगाई है। तो गाइस अपनी गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, हम अब न्यू गाड़ी ढूंढते हैं गाइस, क्योंकि मैं पैदल वहाँ पे अपने घर तक जा नहीं सकता। ये देखो गाइस, किसी ने अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिया है। इतनी महंगी गाड़ी गाइस ये बाहर कैसे पार्क कर दे भाई, ये तो कोबरा बाइक है यार। चलो एक काम करता हूँ गाइस, इतनी महंगी गाड़ी कोई यहाँ पे है भी नहीं, इसको चुरा के लेके भाग जाता हूँ। और ये देखो गाइस ये कितनी तेज चल रही है, आज तक मैंने कोबरा बाइक चलाई नहीं है यार। चलो ये भी पूरा हो गया। अरे यार ये तो चल भी रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा गाइस कि ये गाड़ी चल भी रही है। तो चलो देखते हैं गाइस कि मेरे घर पे पुलिस वाले आए हैं कि नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो मैं इतना बड़ा रॉकेट बम बना ही नहीं पाऊंगा। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं है, तो जल्दी से अपनी रॉकेट बनाते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है गाइस। और यहाँ पे देखो गाइस मैंने तीन डिब्बे रॉकेट रख दिए हैं, और जल्दी से जल्दी मैं इस रॉकेट के अंदर वो बारूद डाल देता हूँ, और ये देखते हैं गाइस कि इतने ज़्यादा बारूद में ये रॉकेट कितना बड़ा हो पाता है। जब तक मैं इस रॉकेट को बना रहा हूँ गाइस, तब तक आप अपने प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ओ यार, मैं जिस जैसे जैसे इसके अंदर गन पाउडर डाल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। और अभी तक मैंने गाइस एक ही डब्बे डालते, चलो दूसरा डब्बा डालते, और ओ भाई ये कितना बड़ा हो रहा है, और तीसरा डब्बा डालते गाइस ये इतना बड़ा हो चुका है। और ये तो लगता है गाइस ये पुलिस स्टेशन से बहुत बड़ा हो गया। तो फाइनली गाइस हमारा रॉकेट बॉम्ब चलाने के लिए तैयार हो चुका है। तो एक काम करते गाइस, जल्दी से इसको ट्रक पे लोड करके ले चलते हैं पुलिस स्टेशन। गाइस मैं इस रॉकेट को पुलिस स्टेशन के आगे नहीं लगाऊंगा गाइस, पीछे लगाऊंगा, क्योंकि पुलिस वाले अगर देख लेंगे तो मुझे जेल में बंद करके बहुत पीटेंगे गाइस। तो मैं इस रॉकेट को गाइस पुलिस स्टेशन के ऊपर फाइनली सेटअप कर दिया है गाइस, और ये चलने के लिए रेडी हो चुका है गाइस। और फाइनली इसके अंदर आग लगा देते हैं। अरे यार, आग लगाते ही ये देखो अपना पुलिस स्टेशन भी ऊपर उड़ चुका है, और ये देखो गाइस ब्लास्ट भी हो गया और पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। और ऐसे करके आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना और खूब ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइस।